केंद्र मंत्रालय के फेरबदल में स्मृति ईरानी से सूचना और प्रसारण मंत्रालय छीन लिया गया है। कहा जा रहा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के बारे में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उन्हें इस मंत्रालय से हटाया गया। देखिए रिपोर्ट। स्मृति ईरानी मंत्री बनने के बाद से हमेशा विवादों में रही हैं। पहले मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए वो विवादों में रहीं, सूचना प्रसारण मंत्री रहते हुए तो राष्ट्रपति भवन तक से पीएमओ में उनकी शिकायत की गई। सूचना प्रसारण मंत्रालय के कामकाज की वजह से सरकार को कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हाल ही में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे सम्मानित शायर फैज अहमद फैज की बेटी के मामले में भी सरकार को फजीहत हुई। फैज की बेटी मोनिजा हाशमी को पहले तो एशिया मीडिया समिट में स्पीकर के तौर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बुलाया, मगर जब वो दिल्ली पहुंची तो उनका नाम इस कार्यक्रम से हटा दिया गया और उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। मोनिजा हाशमी के बेटे अली हाशमी ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और नाराजगी जाहिर की। इस मामले को लेकर देश विदेश के कई साहित्यकारों ने सरकार की आलोचना की। इसके अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान भी स्मृति ईरानी की वजह से सरकार की फजीहत हुई। अवार्ड सेरेमनी के लिए राष्ट्रपति भवन से सूचना प्रसारण मंत्रालय को 2 महीने पहले ही राष्ट्रपति के कार्यक्रम की जानकारी दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मौजूद रहेंगे, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सिर्फ 1 दिन पहले ही अवार्डीज को इसकी जानकारी दी, जिसकी वजह से 68 अवार्डीज ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इस बात से नाराज होकर राष्ट्रपति भवन ने पीएमओ को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की लिखित शिकायत की। यही नहीं, फेक न्यूज पर जारी सूचना प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइन ने पूरे मीडिया जगत को नाराज कर दिया था। बाद में पीएमओ के दखल के बाद ये गाइडलाइंस अगले ही दिन वापस ले ली गई थी। इसके अलावा प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश ने भी पीएमओ से उनकी शिकायत की थी। सूर्यप्रकाश ने आरोप लगाया था कि स्मृति ईरानी की पसंद की एक एजेंसी का पेमेंट न होने का बदला लेने के लिए स्मृति ईरानी ने प्रसार भारती के कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी थी। को न्यूज ब्यूरो।